देश के युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए सेना में भर्ती होने का मौका दिया जा रहा है। 16 जून से योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 17.5 साल से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवा लड़के और लड़कियों को इसके लिए पात्र हो गया। आपको बता दें कि अग्निवीर बनने के लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। सेना में अभी औसत उम्र 32 साल है, जो अगले 6 से 7 साल से घटकर 24 से 26 साल के बीच आ जाएगी। इस योजना को रक्षा बलों के खर्च को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। 4 साल के सेवाकाल के बाद 75% जवानों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अधिकतम 25% को रेगुलर कार्डर में जगह मिलेगी। तो ये तकरीबन 2 साल से सभी जो स्टेक होल्डर हैं, आर्मी, MOD, गवर्नमेंट, हम सब एक साथ मिलकर एक सोच विचार करने के बाद ये देश के हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण रखते हुए, सुप्रीम रखते हुए हमने ये स्कीम को फाइनल जिस प्रकार से अंजाम दिया है वो आप सब लोगों को मालूम है। अग्निपथ स्कीम मेरे हिसाब से तो ये पूरे जो भारत देश के अंदर यूथ है, ऑल जेंडर्स, पूरे देश के अंदर से सभी युवाओं के लिए ये एक बहुत ही उनका जो एस्पिरेशंस है वो मीट करेगा और अपने इंटरेस्ट के अनुसार शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलिट्री सर्विस करने का जो चांस है वो इन्हें मिलेगा एंड वो अपने आप को 4 साल के बाद जो है बड़े गर्व के साथ ये कह सकता है कि मैं भी एक अग्निवीर था। इस योजना के अनाउंसमेंट के बाद जो है अब की बात जो है आगे से पूरे आर्मी के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट है वो अभी सिर्फ ये अग्निपथ स्कीम के जरिए।